हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोएम द कैप्टन्स डॉटर बाय जेम्स टी फील्ड्स। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि पोएम आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस पोएम के जो पोएट है वो है जेम्स टी फील्ड्स। जेम्स टी फील्ड्स वॉज एन अमेरिकन ऑथर, पब्लिशर एंड पोएट। तो ये एक अमेरिकन ऑथर, पब्लिशर और पोएट थे। मेन ऑफ हिज वर्क्स इंक्लूडिंग दिस पोएम कैन बी फाउंड इन हिज बुक बैलेड्स एंड वर्सेस व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1880। तो इनके बहुत सारे काम और इनके बहुत सारे पोएम्स जो हैं वो इनकी बुक्स बैलेड्स और वर्सेस में पाए जाते हैं जो कि 1880 में पब्लिश हुए थे। तो पोएम स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। दिस पोएम टेल्स अस अबाउट अ ब्रेव यंग गर्ल हु इज कॉट इन अ स्टॉर्म ऑन अ शिप एट सी। तो ये जो पोएम है वो हमें एक ब्रेव यंग गर्ल के बारे में बता रही है। एक छोटी सी बच्ची है जो कि काफी ब्रेव है और वो समुद्र में एक शिप में है और स्टॉर्म में फंस चुकी है, तूफान में फंस चुकी है। व्हाइल द एडल्ट्स हैव गिवन अप होप एंड फियर फॉर देयर लाइव्स, द लिटिल गर्ल रिमेन्स करेजियस एंड होपफुल एंड इंस्पायर्स द मेन टू हैव फेथ इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। और सिचुएशन इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि जो एडल्ट्स होते हैं, जो बड़े लोग शिप पर मौजूद होते हैं, वो लोग भी डर से उम्मीद छोड़ देते हैं, वो लोग भी हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन वो जो छोटी सी बच्ची शिप पर रहती है वो इतने ट्रबल के टाइम में भी, इतने बुरे वक्त में भी हिम्मत नहीं हारती, उम्मीद नहीं छोड़ती और साथ ही साथ दूसरों को इंस्पायर करती है कि मुश्किल वक्त में हमें हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, आशा की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और हमेशा भरोसा बनाए रखना चाहिए। लेट्स स्टार्ट द पोएम द कैप्टन्स डॉटर। वी वर क्राउडेड इन द केबिन, नॉट अ सोल वुड डेयर टू स्लीप, इट वॉज मिड नाइट ऑन द वॉटर्स एंड अ स्टॉर्म वॉज ऑन द डीप। हेयर डीप मीन्स द सी, यहाँ पर डीप का मतलब है सी। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि वी वर क्राउडेड इन द केबिन एंड नॉट अ सोल वुड डेयर टू स्लीप। सब लोग जो है वो कहाँ पर इकट्ठा है, केबिन में, शिप में जो केबिन होता है वहीं पर सारे लोग इकट्ठा है, गैदर हो गए हैं और कोई भी एक सिंगल सोल, मतलब कोई भी एक सिंगल पर्सन जो है वो ये हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि वो सो जाए। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि इट वॉज मिड नाइट ऑन द वॉटर्स एंड स्टॉर्म वॉज ऑन द डीप। क्योंकि वो लोग समुद्र में है और आधी रात का समय है, मिड नाइट का टाइम है और समुद्र में स्टॉर्म आ चुका है, तूफान आ चुका है, इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और वो लोग सो भी नहीं पा रहे हैं। दिस अ फेयरफुल थिंग इन विंटर To be shattered by the blast and to hear the rattling trumpet thunder cut away the mast. Blast means strong gust of wind. हवा का जो बहुत ही तेज झोंका होता है उसे blast कहते हैं. And shattered means बहुत ही upset हो जाना, breakdown हो जाना, टूट जाना बिल्कुल. तो second stanza में poet कह रहे हैं कि situation कैसा है, वो time जो है वो winter का time है, ठीक है. And tis a fearful thing in winter. Tis means it is. It is को यहाँ पर कहा गया है। So it is a fearful thing in winter. ये winter के time में ये बहुत ही डरावनी चीज है कि समुद्र में इतना जो भयानक, इतना भयंकर तूफान आया हुआ है और बहुत ही तेज हवा का झोंका चल रहा है, तो इसकी वजह से जो जितने भी लोग शिप पर मौजूद थे वो सब शैटर्ड हो चुके थे, बहुत अपसेट हो चुके थे, टूट चुके थे, और साथ ही साथ उन लोगों को रैटलिंग ट्रम्पेट थंडर की भी आवाज आ रही थी। रैटलिंग मीन्स लाउड साउंड्स की जो सीरीज होती है, मतलब लगातार जो लाउड साउंड्स आती रहती है उसे रैटलिंग कहते हैं। तो वो लोग तो ऐसे ही तूफान की वजह से डरे हुए थे और साथ ही साथ वो लोग और ज्यादा इसलिए डर गए थे क्योंकि उन्हें एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ट्रम्पेट, उसकी तरह एक आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज किसकी थी? थंडर की आवाज थी। तो उन्हें लाउड साउंड्स भी सुनाई दे रही थी और थंडर की वजह से जो मास्ट होता है, मास्ट जो होता है शिप का, वो भी कट ऑफ हो चुका था। मास्ट कैसे कहते हैं? जो टॉल पोल होता है शिप में सपोर्ट के लिए, उसे मास्ट कहते हैं। नेक्स्ट, सो वी शटर्ड देयर इन साइलेंस फॉर द स्टाउटेस्ट हेल्ड हिज ब्रेथ व्हाइल द एंग्री सी वाज रोरिंग एंड द ब्रेकर्स टॉक्ड विद डेथ। शटर्ड मींस शुक इन फियर, मतलब इतना ज्यादा डर कि डर से बिल्कुल थरथरा जाना, कांप जाना। स्टाउटेस्ट मींस ब्रेवेस्ट, बहुत ही ज्यादा बहादुर। ब्रेकर्स मींस लार्ज वेव्स दैट ब्रेक इन टू फोम ऑन द शोर। समुद्र की जो बहुत ही बड़ी बड़ी लहरें होती हैं जो कि शोर तक आती है, किनारे तक आती हैं, जिनमें फोम होते हैं और वापस से वो समुद्र में चली जाती है, उसे ब्रेकर्स कहते हैं। तो थर्ड स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं कि तूफान की वजह से, इतने खराब माहौल की वजह से जितने भी लोग थे जो कि शिप पर मौजूद थे वो सब
शटर्ड हो गए थे साइलेंस वेमेन, साइलेंस में बिल्कुल डर से थर थर कांप रहे थे, और जो ब्रेवेस्ट थे स्टाउटेस्ट मीन्स जो बहादुर थे, जो बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चय करने वाले थे, वो डिटरमाइंड थे, वो लोग भी इतने ज्यादा डर गए थे कि उन लोगों ने भी अपनी सांसें बिल्कुल डर से रोक ली थी। व्हाइल द हंग्री सी वाज रोरिंग एंड द ब्रेकर्स टॉक्ड विद डेथ, और वो लोग इतने ज्यादा क्यों डर गए थे, क्योंकि जो हंग्री सी था मतलब समुद्र में बहुत ही ज्यादा भयानक तूफान आया हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि समुद्र जो है वो दहाड़ रही है और वो बिल्कुल भूखी है, बिल्कुल हंग्री है, और आज वो सब कुछ निकल जाएगी। और जो ब्रेकर्स होते हैं समुद्र के, मतलब जो लार्ज वेव्स होती है जिनमें फोम होती है, वो भी इतने ज्यादा डरावने थे, इतने ज्यादा डेंजरस थे कि ऐसा लग रहा था कि वो भी डेथ का साइन दे रहे हैं, डेथ का सिग्नल दे रहे हैं। As thus we sat in darkness, each one busy with his prayers, we are lost, the captain shouted as he staggered down the stairs. Staggered means walk unsteadily, लड़खड़ाते हुए चलना, proper तरह से ना चलना। तो सब लोग अंधेरे में बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे, और हर एक व्यक्ति जो कि शिप पर मौजूद था सब क्या कर रहा था, प्रेयर कर रहा था, दुआ कर रहे थे, सब प्रार्थना कर रहे थे कि बस किसी तरह से लोगों की जान बच जाए। तभी क्या होता है, शिप का जो कैप्टन होता है वो चिल्लाते हुए आता है, डाउन स्टेयर्स नीचे आता है, एक्चुअली वो लड़खड़ाते हुए आता है, मीन्स वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है, इसलिए वो स्टैगर करते हुए मीन्स लड़खड़ाते हुए नीचे आता है और कहता है वी आर लॉस्ट, हम लोग गुम हो चुके हैं। बट हिज लिटिल डॉटर विस्पर्ड एज शी टुक हिज आइसी हैंड, इजंट कॉट अपॉन द ओशन जस्ट द सेम एज ऑन द लैंड। लेकिन तभी कैप्टन की जो छोटी सी बेटी होती है वो कैप्टन की आइसी हैंड को, ठंडे ठंडे हाथों को अपने हाथ में लेती है और विस्पर करके मीन्स फुसफुसा कर कहती है कि क्या समुद्र में गॉड नहीं होते, समुद्र पे भगवान नहीं होते, जिस तरह से जमीन पर धरती पर भगवान मौजूद है उस तरह से क्या समुद्र में भगवान नहीं होते। तो उस बच्ची का इतना सा कहना जो था उसकी वजह से जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे वो सब में एक आशा की किरण जग गई। उस बच्ची के इस कहने की वजह से सबको ये विश्वास हुआ, सबको ये समझ आया कि हमें इस ट्रबल के टाइम में, हमें इस मुश्किल टाइम में घबराना नहीं चाहिए, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हमें आशा बनाए रखनी चाहिए कि जिस तरह से धरती पर भगवान मौजूद है उसी तरह से समुद्र पे भी भगवान मौजूद है और वो हमारी मदद जरूर करेंगे और हम लोग इस मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे। देन वी किस द लिटिल मेडन एंड वी स्पोक इन बेटर चीयर एंड वी एंकर्ड सेफ इन हार्बर व्हेन द मून वाज शाइनिंग क्लियर। तो उस बच्ची की इस बात की वजह से सब में आशा की एक किरण जग गई, सबको एक हिम्मत मिली कि ऐसा नहीं है, सब कुछ यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, अभी भी उम्मीद है, अभी भी हम लोग बच सकते हैं, हमें बस उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो जो कैप्टन है वो अपनी छोटी सी जो डॉटर है, मेडन मीन्स क्या होता है, मेडन मीन्स अ यंग गर्ल, छोटी लड़की, तो कैप्टन अपनी छोटी सी बेटी को किस करते हैं और उसके बाद वो जो पूरा शिप का जो माहौल है वो पूरा चेंज हो जाता है, सब लोग थोड़ा चेयर हो जाते हैं, सब में हिम्मत आ जाती है और वो जो डर है वो एक उम्मीद में चेंज हो जाता है। और फाइनली इस उम्मीद की वजह से, इस हिम्मत की वजह से वो लोग दूसरे दिन सुबह में, मॉर्न मीन्स मॉर्निंग, वो लोग दूसरे दिन सुबह में जब समुद्र का पूरा माहौल शांत हो जाता है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और चमकीली धूप निकल जाती है, तो उस वक्त वो लोग सुबह सुबह हार्बर पे, हार्बर मीन्स बंदरगाह जहां पर सारे शिप्स आकर रुकती है, लगती है, वहां पर वो लोग अपने शिप को आकर एंकर्ड कर देते हैं, मीन्स सेफली वहां पर वो लोग बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं और शिप को वहां पर रोक देते हैं और वो लोग सब सेफली हार्बर तक पहुंच जाते हैं। सो दैट्स ऑल, होप आपको पोएम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपका भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, टिल देन बाय।